हाय हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द फास्ट एपीआई लेशन नंबर 7। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यार कि कैसे हम लोग फास्ट एपीआई के अंदर स्टैटिक फाइल को यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्टैटिक फाइल होता क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं एंड बेसिकली कैसे मतलब हम लोग स्टैटिक फाइल को यूज कर सकते हैं फास्ट एपीआई के अंदर, हम लोग उसी को आज देखने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जो अपना फास्ट एपीआई वाला फोल्डर था उसको ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। तो सो मोड ऑप्शन करके मैं ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर एंड ये मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो चुका है। तो पिछले वीडियो में यार जो मेरा लेशन नंबर 6 है, बाकी ये फास्ट एपीआई का कोर्स, इसको आप लोग फॉलो कर देना स्टार्टिंग से देना ताकि आपको एक चीज समझ आए। तो पिछले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग टेम्पलेटिंग का यूज करते हैं लेशन नंबर 6 में। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो लेशन नंबर 6 में हम लोगों ने देखा था कि फास्ट एपीआई के अंदर टेम्पलेटिंग आखिर क्या होता है। तो टेम्पलेटिंग के दौरान ही हम लोगों ने यहाँ पे चीज यहाँ पे इम्पोर्ट करा था फास्ट एपीआई डॉट डॉट स्टेटिक फाइल से। हम लोगों ने स्टेटिक फाइल इंपोर्ट करा था, ठीक है। एंड इंपोर्ट करने के बाद हम लोगों ने ऐप डॉट माउंट कुछ ये लिखा था कि ऐप डॉट माउंट स्लैश स्टेटिक एंड स्टेटिक फाइल्स डायरेक्टरी इज इक्वल टू ये एंड स्टेटिक सर नेम इज इक्वल टू स्टेटिक। हम लोगों ने कुछ ये बेसिकली करा था, ठीक है। तो ये करने से क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा स्टेटिक फाइल इन फास्ट एपीआई एंड सिंपली जो फास्ट एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन है उसको ओपन करूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार यू कैन सर्व स्टैटिक फाइल्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम अ डायरेक्टरी यूजिंग स्टैटिक फाइल्स। तो स्टैटिक फाइल्स का यूज करके आप लोग कोई भी स्टैटिक फाइल को सर्व कर सकते हो फास्ट एपीआई की मदद से। जहाँ आप यहाँ पे देख सकते हो कि फास्ट एपीआई डॉट स्टैटिक फाइल से क्या इम्पोर्ट किया गया है, स्टैटिक फाइल्स इम्पोर्ट किया गया है एंड ऐप डॉट माउंट करके यहाँ पे सिंपली स्टैटिक फाइल का डायरेक्टरी ये चीज यहाँ पे शो करी गई। तो स्लैश स्टैटिक जो है, स्लैश स्टैटिक यहाँ पे क्या है, स्लैश स्टैटिक यहाँ पे वो पाथ है जहाँ पे आपको आपका जो फाइल है वो मिलने वाला है, बाकी डायरेक्टरी आपका स्टैटिक होने वाला है। अगर मैं डायरेक्टरी का नाम कुछ पब्लिक रख दूँ या कुछ और रखूँ तो मुझे डायरेक्टरी इज इक्वल टू वो यहाँ पे सिंपली करना पड़ेगा एंड नेम इज इक्वल टू स्टैटिक। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं फास्ट एपीआई के अंदर क्या यूज करना चाहता हूँ, फास्ट एपीआई के अंदर यूज करना चाहता हूँ फास्ट एपीआई के अंदर यूज करना चाहता हूँ स्टैटिक फाइल को। तो यहाँ पे यार इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, आप इसके पढ़ सकते हो। बाकी मैं अपना जो मेरा प्रोजेक्ट है ये वाला, इसको मैं रन करके देता हूँ। मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूंगा, टर्मिनल ओपन करने के साथ मैं क्लियर करूंगा, क्लियर करने के बाद मैं लिखूंगा फास्ट एपीआई डेव मेन डॉट पाथ, इंप्लीमेंट करूंगा एंड ये करने के बाद मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। और इसको मैं ओपन करूंगा, ये वाला ओपन करूंगा अपने ब्राउजर में। मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ पे एंड इसको मैं ओपन करूंगा ब्राउजर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रन कर चुका है। एंड स्टैटिक फाइल का मैं बात करूं तो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, अपना टर्मिनल बंद करूंगा एंड मैंने स्लैश स्टैटिक पे ये बता रखा है कि मेरा स्टैटिक फाइल होने वाला है। तो मैं अगर अभी यहाँ पे जाऊं स्लैश स्टैटिक पे, मैं करूंगा स्लैश स्लैश स्टैटिक और मैं सिंपली एंटर करूंगा, ठीक है। तो मेरे को यार यहाँ पे आ रहा है डिटेल नोट फॉर्म, क्योंकि मेरे पास स्टैटिक फाइल के बाद मुझे फाइल का नाम देना है। मतलब कि मान लो यार कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, वो स्टैटिक के अंदर एक नया फाइल बनाता हूँ इंडेक्स डॉट टी एक्स टी के नाम से। मेरा एक टेक्स्ट फाइल है और मैं लिख दूंगा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइल। मान लो मेरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है, तो इसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ फास्ट एपीआई की मदद से। तो इसको एक्सेस करने के लिए मुझे करना पड़ेगा स्लैश स्टैटिक एंड स्टैटिक के बाद वो फाइल का नाम, नाम क्या था यार इसका फाइल का नाम, इंडेक्स डॉट टी एक्स टी टीएक्सटी में सिंपली एंटर करूंगा। तो यहाँ पे मेरा ये फाइल क्या है, यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे ये फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। मान लो यार मेरे पास कोई इमेज है, मैं यहाँ पे क्रिकेट का इमेज इंस्टॉल करता हूँ एंड देखता हूँ मैं एक इमेज क्रिकेट का, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, यहाँ पे ये लोड हो रहा है एंड इमेज सेक्शन से मैं एक क्रिकेट का इमेज लूंगा।
मैं बेसिक इमेज जो है क्रिकेट का है सिंपली वो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। मान लो मैं ये इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेम इमेजेस एंड इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। थोड़ा सा वेट करना है एंड इसको मैं इंस्टॉल करूँगा अपने उस जो मेरा स्टैटिक फाइल है उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैं cricket.jpg के नाम से मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मेरा ये फाइल जो है वो इंस्टॉल हो गया है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज जो है वो इंस्टॉल करा है, यहाँ पे देख सकते हो cricket.jpg मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो इस इमेज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिकेट डॉट, और आपको यार स्टैटिक लगाना है ठीक है, स्लैश स्टैटिक के बाद ही आप लोगों को ये लिखना है, वरना इसको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों को ये स्टैटिक फाइल एक्सेस करना चाहते हो। तो आप देख सकते हो मेरे को मेरा इमेज भी यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरीके से आप लोग यार अपना स्टैटिक फाइल को यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे यार ये सारी चीजें लिखा हुआ है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन आप लोग पढ़ लेना। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, और आगे आने वाले कुछ वीडियो से हम लोग यार एक बोल सकते हो कि एक वेबसाइट बनाएंगे जो कि बिल्कुल ही स्टैटिक होगा एंड उसमें हम लोग कुछ ज़्यादा डायनेमिक चीज़ें नहीं करेंगे, बट उससे हम लोग फास्ट एपीआई में ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक डायनेमिक वेबसाइट मतलब स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं। तो आज के वीडियो में यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।